Why does distilled water not conduct electricity, whereas rain water not conduct? जो distilled water होता है वो उससे electricity आर पार नहीं हो पाती है, नॉट फ्लो नहीं हो पाती है, वह गुड कंडक्टर नहीं होता। वहीं पर जो बरसात का पानी होता है वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों? सो देखिए, जो डिस्टिल वाटर होता है, जो क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है वो फ्री होता है इम्प्योरिटी से, वो फ्री होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज मतलब मिनरल्स, मिनरल्स कहें या इलेक्ट्रोलाइट से, उसमें कोई वो इम्प्योरिटी फ्री वाटर कह सकते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। वहीं पर जो रेन वाटर होता है, आजकल जो रेन होती है वो होती है आपकी एसिड रेन। क्या होती है? एसिड रेन। तो एसिड रेन हो रही है तो जो रेन जो वाटर होगा, जो रेन एसिड रेन का जो वाटर होगा वो उसमें क्या होगी? इम्प्योरिटीज़ होगी। और इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में होगी? एसिड्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। और आपको पता है जो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे अधिकतर जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस होता है, ठीक है, फॉर्म में ये होता है प्रेजेंस, ठीक है। और आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो जब ये वाटर में ये एसिड मिक्स होके बरसात में बरसेगा रेन वाटर की फॉर्म में, सो जो वाटर होंगे, जो आपका रेन वाटर होगा उसमें क्या होंगे? आपके फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे। और जब फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, और फ्री आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कंडक्ट कराने के लिए, इस वजह से रेन वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट डिस्टिल वाटर नॉट, बिकॉज डिस्टिल वाटर इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, बिकॉज ये वाटर को बहुत बॉयल अप करके गैट कर होता है, ठीक है।